नमस्कार बच्चों। बेटा, पिछली क्लास में हम ज्ञात कर रहे थे कि अपने पास दो समांतर चालक प्लेटें थी, जो कैसी थी, भूसंपर्कित थी। और उन भूसंपर्कित चालक प्लेटों के लिए हम किसका मान निकाल रहे थे, विभव का मान निकाल रहे थे। बेटा, जब हमने उनके लिए विभव का मान निकाला था, फाई का मान, तो अपने पास ये आया था A1 sin hkx प्लस A2 cos hkx डॉट B1 sin ky प्लस B2 cos ky। इसको हमने समीकरण नंबर 6 दिया था। इसके बाद हमने कल दो सीमा प्रतिबंध लगाए थे। जो पहला सीमा प्रतिबंध था अपने पास, वो था y = 0 पर φ = 0। इसके लिए हमने कल मान निकाला था, φxy रखकर ये अपने पास मान आ गया था, जिसमें B2 = 0 हुआ था अपने पास। दूसरी जो कंडीशन थी, दूसरा जो सीमा प्रतिबंध था, वो क्या था, वाई बराबर क्या रखा था, ए रखा था, इस पर φ = 0। जब हमने इसको सोल्व किया था तो अपने पास ये वाला मान आया था। इसको हमने दे दिया लास्ट समीकरण नंबर 8। बट आप बात करते हैं, हम तीसरे सीमा प्रतिबंध की यहाँ पर बात करते हैं कि देखो, तीसरे सीमा प्रतिबंध में होगा क्या। तो माना तीसरा जो जो बेटा अपने पास सीमा प्रतिबंध है नंबर 3 पे, उसमें क्या है, तो हम बात करते हैं नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 पर हम लेते हैं यदि दो मान। तो बेटा हमने y की कंडीशन मान ली, अब दो किसकी मानेंगे, x की मानेंगे। यदि x बराबर माइनस अनंत पर, ये x का मान कितना है, माइनस का अनंत है, इस x बराबर माइनस अनंत पर y बराबर कितना हो, 0 हो। मतलब x बराबर माइनस अनंत पर अपने पास y का मान कितना है, 0 है। और बेटा ये जो मान है, इस समीकरण में रख दो तो क्या आएगा, समीकरण 8 से क्या होगा बेटा, समीकरण 8 से देखो, ये हो गया फाई, इसका मान 0 हो जाएगा, फाई बराबर 0 है, तो 0 बराबर समीशन एन बराबर 1 से अनंत। अंदर क्या बचा बेटा अपने पास, अंदर का मान हो गया देखो, एक्स बराबर माइनस अनंत, तो ये हो जाएगा माइनस का अनंत a1 + a2 / a2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का अनंत, क्या आएगा मान, a2 - a1 / a2, और इनटू में क्या है बेटा, b1 sin nπ / a y हो गया मान। अब हमें इस मान में देखो, e^-अनंत, और e^-अनंत का मान कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो अपने पास जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहां से अपने पास आया है 0 बराबर, समीशन अपने आप गुणा में गया, हट गया, क्या बचेगा, 0 इंटू a1 + a2 / a2 प्लस में e^-अनंत हो गया। और e^-अनंत के बाद का बेटा जो मान आएगा वो अपने पास क्या होगा, ये है a2 - a1 / a2, और इंटू में क्या है, b1 sin nπ / a y। बेटा ये गुणा में, ये दूसरी तरफ भाग में जाएगा, मतलब 0, और ये वैसे 0 होगा, 0 बराबर अपने पास क्या आएगा, e^-a2 - a1/2 हो गया मान। इसको आगे सोल्व करो, देखो जो भाग में ये गुणा में जाएगा 0, जो गुणा में वो कहाँ आएगा, भाग में, तो ये भी कितना हो गया, 0। तो अपने पास यहाँ पर जो मान बचा है इसके लिए, वो मान क्या है, ये हो गया देखो यहाँ से a2 - a1 = 0, क्या हो गया, a2 - a1 = अपने पास हो गया 0 के बराबर हो गया। बेटा जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास मान क्या आएगा, यहाँ से मान आ गया a2 = 1 हो गया, क्या a2 का जो मान है वो किसके बराबर है, a1 के बराबर है। और ये मान हम रख देते हैं समीकरण 8 में, मान रखने पर, कहाँ पर रखो मान, समीकरण नंबर 8 में मान रखो। तो देखो बेटा समीकरण 8 में जब हम मान रखेंगे, अपने पास क्या आएगा, यहां से आ गया फाई x, y बराबर समीशन n = 1 से अनंत e^(nπ / ax) मान रखो a1, और a2 की जगह पर क्या लिखोगे, a1/2 प्लस में e^(-nπ / ax) a1 - a1/2 हो गया मान। आगे का मान क्या आएगा बेटा, इंटू b1 sin nπ / a y हो गया अपने पास मान। जब हम इस मान को आगे सोल्व करेंगे तो देखो अपने पास आएगा क्या, यहां से
तो देखो बेटा ए वन माइनस ए वन जीरो हो गया, तो यहां से मान क्या आ गया, एक्स कोमा वाई बराबर समीशन एन बराबर एक से अनंत। आगे का मान क्या है, ये आएगा मान e की पावर एन पाई अपॉन में ए एक्स, ये हो गया कितना, टू ए वन अपॉन में टू, और डॉट ना प्लस में जीरो। बेटा इस वाले का मान कितना हो गया, जीरो। डॉट क्या है, बी वन साइन एन पाई अपॉन में ए वाई, दो से दो कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए वन है ये अपने पास। तो फाई एक्स कोमा वाई बराबर समीशन एन बराबर एक से अनंत, यहां से मान आया ए वन ई की पावर एन पाई अपॉन में ए एक्स डॉट बी वन साइन एन पाई अपॉन में ए वाई, हो गया मान। बेटा इस मान को आगे देखो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम देखो पहली कंडीशन की बात हो रही है, यानी कि फाइव की जगह पर इसको क्या ले लो, फाइव वन ले लो, मतलब पहली वाली स्थिति है, एक स्थिति और लेंगे माइनस अनंत की, तो ये हो गया फाइव वन की स्थिति, यानी कि फाइव वन एक्स कोमा वाई बराबर एन बराबर एक से अनंत, इसको लिख लो सी एन ई की पावर एन पाई अपोन में ए एक्स डॉट साइन एन पाई अपोन में ए वाई। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो ए वन बी वन का गुणा है वो किसके बराबर मान लिया हमने, सी एन के बराबर मान लिया। इसको दे दो समीकरण नंबर 9, हो गया समीकरण नंबर 9। अब आगे हमें क्या करना है, इसके अलावा देखो ये हो गई तीसरी कंडीशन, अब आते हैं हम अपनी चौथी कंडीशन पे, चौथे सीमा प्रतिबंध पर आते हैं। बेटा जो चौथा सीमा प्रतिबंध अपने पास है वो क्या है, यदि एक्स जो है इसका मान कितना हो, अनंत हो तो, और इस अनंत पर फाइव बराबर कितना होगा, जीरो, ये मान कहां पर रखोगे वापस बेटा, समीकरण नंबर 8 से रखोगे, ठीक है, ये मान कहां पे रखेंगे, समीकरण नंबर 8 में। तो समीकरण 8 में इस मान को रखो, और जब समीकरण 8 में इस मान को हम रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, रखो बेटा ये आएगा फाइव एक्स कोमा वाई बराबर समीजन एन बराबर एक से अनंत ई की पावर एन पाई अपोन में ए एक्स, एक्स की जगह अनंत, मतलब ये हो गया अनंत, अंदर क्या आएगा ए वन प्लस में ए टू बटा में दो, प्लस में ई की पावर माइनस अनंत ए टू माइनस ए वन अपोन में टू, बटा उल्टा हो गया उसका, उसमें माइनस था तो पहला वाला माइनस का दूसरा प्लस का हुआ था, इसमें पहला माइनस का प्लस का और दूसरा कैसा हो गया माइनस का, इनटू में क्या आएगा बी वन साइन एन पाई अपोन में ए वाई। ये जो पद है ये जीरो हो गया कंप्लीट, तो अपने पास क्या बचेगा फाई एक्स कोमा वाई, फाई एक्स कोमा वाई का मान भी कितना होगा बेटा, जीरो, क्योंकि फाई बराबर भी कितना है, जीरो। तो जीरो बराबर समीशन एन बराबर एक से अनंत ई की पावर अनंत ए वन प्लस में ए टू बटा में दो डॉट बी वन साइन एन पाई अपोन में ए वाई। बेटा गुणा में है भाग में जाएगा मतलब जीरो, गुणा में है भाग में जाएगा मतलब जीरो, भाग में है गुणा में जाएगा मतलब जीरो। तो अपने पास क्या बचेगा, या यहां से एक पद बढ़ा देता हूं मैं, ए वन प्लस में ए टू बटा में दो बराबर जीरो, बाकी तो सारे भाग में आके जीरो हो गए। तो यहां से मान क्या आएगा अपने पास, ए वन प्लस में ए टू बराबर जीरो, यानी कि आ गया ए टू बराबर माइनस ए वन, लिख लो चाहे ए वन बराबर क्या लिख लो, माइनस ए टू लिख लो, अच्छा करे जो मान रख लो, बात वही है। तो अगर हम यहां पर बात करते तो अपने पास ये क्या आएगा, ए टू बराबर माइनस का ए वन आएगा, ठीक है, या ए वन बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का ए टू। ये जो मान है बेटा ये मान हम रखेंगे वापस कहां पे, देखो समीकरण नंबर 8 में रखेंगे, इस मान को वापस समीकरण नंबर 8 में रखेंगे बेटा। एक्स की दूसरी कंडीशन थी, यानी कि यहां से जो मान आएगा वो फाइव वन का पिछले में आ गया, इसमें किसका मान आएगा, फाइव टू का मान आएगा, यहां से हम फाइव टू का मान निकालेंगे और फिर आगे मान रखेंगे। तो देखो बेटा, तो जो हमने मान निकाला उस मान को हम रखते हैं समीकरण 8 में, ए वन बराबर माइनस ए टू रखने पर, क्या रख दो, जो हमने अभी अभी निकाला है, क्या निकाला है, ए वन बराबर माइनस ए टू, ये मान आप समीकरण नंबर कहाँ पे रख दो बेटा, 8 में रख दो। जब समीकरण 8 में हम ये मान रखेंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, देखो तो आया दूसरी कंडीशन में मान किसका हो गया, फाइव टू,
ये हो गया एक्स कोमा वाई बराबर, क्या आएगा समीशन एन बराबर एक से अनंत। अंदर का मान क्या था बेटा, ये था e की पावर एन पाई अपोन में ए एक्स। यहां पर था देखो ए वन प्लस ए टू यानी कि माइनस ए टू प्लस ए टू अपोन में क्या आएगा टू, प्लस में था e की पावर माइनस एन पाई अपोन में ए एक्स। आगे का मान क्या आएगा इसके अलावा, ये था बेटा ए टू माइनस ए वन, तो ए टू माइनस ए वन की जगह पर अपने पास जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा इस बार बताओ, तो अपने पास जो मान यहां से आएगा बेटा वो मान देखो होगा क्या, ए टू माइनस ए वन, तो ये हो गया ए टू और माइनस हो गया प्लस ए टू अपोन में दो, और इन टू में क्या है बी वन साइन एन पाई अपोन में ए वाई। बड़ा यहां पर देखो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए यानी कि ये पूरा पद कितना हो गया है जीरो, तो क्या आएगा फाइव टू एक्स कोमा वाई बराबर समीशन एन बराबर एक से अनंत। यहां से देखो क्या आएगा मान ई की पावर माइनस एन पाई अपोन में ए एक्स, ये हो गया टू ए टू अपोन में टू और इन टू में आ गया बी वन साइन एन पाई अपोन में ए वाई। दो से दो कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा फाइव टू एक्स कोमा वाई बराबर समीशन एन बराबर एक से अनंत। यहां से मान क्या आएगा ए टू ई की पावर माइनस एन पाई अपोन में ए एक्स डॉट बी वन साइन एन पाई अपोन में ए वाई, हो गया मान बेटा। इसको ए टू और बी वन का जो मल्टीप्लाई है बेटा उसको मान लेते हैं कि अपने पास जैसे हमने पिछले में ए वन और बी वन का मल्टीप्लाई माना था वैसे ही एन बराबर एक से अनंत इसको मान लिया हमने डी एन ई की पावर एन पाई अपोन में ए एक्स डॉट साइन एन पाई अपोन में ए वाई। इसको दे दो बेटा समीकरण नंबर कितना 10, पिछले वाले को हमने 9 दिया था तो ये कितना हो गया 10, मतलब हमने फाइव वन का मान निकाल दिया और किसका मान निकाल दिया फाइव टू का मान निकाल दिया। जो पांचवी अपने पास सीमा प्रतिबंध है, सीमा प्रतिबंध नंबर 5 वो क्या है, यदि x बराबर 0 पर फाइव वन बराबर फाइव टू हो, कि जब x का मान 0 है तो ऐसी स्थिति में फाइव वन का मान किसके बराबर है फाइव टू के बराबर। तो रखो बेटा मान अपने पास कौन कौन से समीकरण है, समीकरण 9 व 10 से, 9 में किसका मान है फाइव वन का मान है और 10 में किसका मान है बेटा फाइव टू का मान है। दोनों मान हमें यहां पे रखने हैं तो रखो क्या आएगा फाइव वन बराबर क्या रखना है फाइव टू, फाइव वन का मान कितना है समीशन एन बराबर एक से अनंत सी एन e की पावर एन पाई अपोन में ए एक्स साइन एन पाई अपोन में ए वाई बराबर समीशन एन बराबर एक से अनंत डी एन e की पावर माइनस एन पाई अपोन में ए एक्स, ये हो गया साइन एन पाई अपोन में ए वाई। हमने दोनों के मान रख दिए बेटा। यहां पर देखो अगर हम कंडीशन देखते हैं आगे, अपने पास जो मान आया था समीकरण 10 से जो मान अपने पास आया वो ये मान है। यहां पर बेटा हमें x बराबर 0 भी रखना है, x का मान कितना रखना है 0 रखना है, तो x का मान जब 0 रखोगे क्या आएगा n बराबर 1 से अनंत सी एन e की पावर 0 हो जाएगा साइन n पाई अपोन में ए वाई बराबर समीशन n बराबर 1 से अनंत डी एन e की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 0 हो जाएगा ये क्योंकि x बराबर कितना रखना है 0 साइन एन पाई अपोन में ए वाई बड़ा कैंसिल हो गए। तो यहां से देखो मान क्या आएगा अपना जो सी एन है वो किसके बराबर हो जाएगा डी एन के बराबर हो गया, मतलब सी एन और जो डी एन है वो मान अपने आपस में कैसे हो गए बराबर हो गए। बड़ा हमने सबसे पहले एक समीकरण यहाँ पे निकाला था, उस समीकरण में देखो क्या करो फाइव वन और फाइव टू का मान रख दो। वो समीकरण कितना था, वो अपने पास था तो देखो x बराबर 0 पर होगा फाइव वन किसके बराबर होगा, x बराबर 0 पर फाइव वन बराबर होगा किसके फाइव टू के, ये मान रखेंगे एक समीकरण जो हमने किया था देखो शुरुआत में सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन 0 वाला था, तो सिग्मा का मान कितना था q डेल्टा y माइनस डी अपोन में एप्सिलॉन 0 बराबर था डेल फाइव वन अपोन में कितना था
डेल एक्स माइनस में क्या था डेल फाई टू अपोन में डेल एक्स, ये मान था बेटा अपने पास, यानी कि डेल फाई वन अपोन में डेल एक्स था और डेल फाई टू अपोन में क्या था डेल एक्स था। इसको बेटा सोल्व करना है हमें आगे, जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जरूर था लेकिन माइनस आगे जाके किस में हो गया था, क्योंकि माइनस फाई टू विपरीत दिशा में था, उसका भी अपने पास क्या आया था माइनस आया था, और वो माइनस आगे इसमें रखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मान प्लस का हो जाएगा। तो देखो बेटा फाई वन और फाई टू की जो दिशा थी वो एक दूसरे की कैसी थी, विपरीत। रखो यहाँ पे मान रखो सबसे पहले, तो अपने पास फाई वन का मान कितने नंबर समीकरण में है, नौ नंबर में, और फाई टू का मान कितने नंबर में है, दस नंबर में। तो समीकरण नौ व दस से मान रखने पर रखो बेटा यह क्यू डेल्टा वाई माइनस डी अपोन में एप्सिलॉन जीरो डेल अपोन में डेल एक्स, फाई का मान रख दो बेटा क्या है, फाई का मान समीशन एन बराबर एक से अनंत सी एन ई की पावर एन पाई अपोन में ए एक्स, आगे क्या था साइन एन पाई अपोन में ए वाई, हो गया मान। ये किसका मान है बेटा, फाई वन का मान है, माइनस में अब किसका मान आएगा अपने पास, फाई टू का डेल अपोन में डेल एक्स, फाई टू का मान रखो बेटा क्या आएगा, फाई टू का मान अपने पास समीशन एन बराबर एक से अनंत डी एन ई की पावर माइनस एन पाई अपोन में ए एक्स, आगे क्या आएगा साइन एन पाई अपोन में ए वाई, हो गया मान। बेटा इनका सबसे पहले एक्स के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो, जब हम इनका एन के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास जो मान है वो क्या आएगा, देखो तो इस तरफ का मान तो अपने पास फिक्स है क्यू डेल्टा वाई माइनस डी अपोन में एप्सिलॉन जीरो, यहां पर करोगे देखो सी एन अपना कैसा था, नियत था बेटा सी एन आ गया बाहर नियत, समाकलन ये निशान हट जाएगा अवकलन के लिए, इसका करो क्या आएगा ई की पावर एन पाई अपोन में ए एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और एक्स के साथ जो गुणा में आ गया ना भाग मल्टीप्लाई में था उसका होगा ये बड़ा साइन एन पाई अपोन में ए वाई, ये नियत था तो नियत का क्या होता है नियत, आ गया अपने पास मान। अब आगे का देखो माइनस था अपने पास, माइनस क्या आएगा डी एन इंटू में ई की पावर माइनस एन पाई अपोन में ए एक्स इंटू माइनस एन पाई अपोन में ए, और बेटा जो नियत है उसका क्या हो गया साइन एन पाई अपोन में ए वाई, वैसे का वैसा। अब देखो बेटा यहां से मान इस कंडीशन में एक्स का मान कितना है जीरो, तो रखोगे क्या आएगा क्यू डेल्टा वाई माइनस डी अपोन में एप्सिलॉन जीरो सी एन, एक्स का मान जीरो मतलब ई की पावर जीरो एन पाई अपोन में ए साइन एन पाई अपोन में ए वाई, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी एन ई की पावर माइनस जीरो, आगे आएगा एन पाई अपोन में ए साइन एन पाई अपोन में ए वाई। बट हमने अभी अभी निकाला था कि जो सी एन होता है वो किसके बराबर होता है डी एन के बराबर, तो रख दो यहाँ पे मान क्या आएगा ये आया क्यू डेल्टा वाई माइनस डी अपोन में एप्सिलॉन जीरो, हो गया Q डेल्टा वाई माइनस डी अपोन में एप्सिलॉन जीरो सी एन, और दोनों बराबर तो ये हो गया सी एन एन पाई अपोन में ए साइन एन पाई अपोन में ए वाई, बेटा ई की पावर जीरो का मान एक हो गया प्लस में डी एन, डी एन का मान कितना है सी एन एन पाई अपोन में ए साइन एन पाई अपोन में ए वाई, बेटा ई की पावर माइनस जीरो का मान भी कितना हो गया एक, दोनों सेम है तो क्या आएगा क्यू डेल्टा वाई माइनस डी अपोन में एप्सिलॉन जीरो बराबर टू सी एन एन पाई अपोन में ए साइन एन पाई अपोन में ए वाई, ये आ गया बेटा अपना मान। अब इस मान को हमें किससे गुणा करना है बेटा, तो इसको हमें गुणा करना है किससे, साइन एन डैस पाई अपोन में ए वाई से, किससे गुणा कर दो इसको साइन एन डैस पाई अपोन में ए वाई, तो करो साइन क्या आएगा एन डैस पाई अपोन में ए वाई से गुणा करने पर, करो गुणा, जब गुणा करोगे तो क्या आएगा क्यू
अपोन में एप्सिलॉन जीरो डेल्टा वाई माइनस डी इंटू में साइन एन डैश पाई अपोन में ए वाई। इस तरफ का मान क्या है, टू सी एन एन पाई अपोन में ए साइन एन पाई अपोन में ए वाई साइन एन डैश पाई अपोन में ए वाई। दोनों तरफ को हमने किससे गुणा कर दिया बेटा, साइन एन डैश पाई अपोन में ए वाई से हमने गुणा कर दिया। अब आगे क्या करो, इसका इसका वाई के सापेक्ष समाकलन कर दो, जिसकी लिमिट रख लो आप जीरो से लेकर ए तक। कहां से करना है बेटा, वाई के सापेक्ष जीरो से ए तक समाकलन करने पर। कर दो बेटा, वाई के सापेक्ष करना है, कहां से कहां तक करना है, जीरो से लेकर ए तक। तो क्या आएगा, ये हो गया क्यू अपोन में एप्सिलॉन जीरो, अंदर का जो मान है लिमिट हो गई देखो जीरो से ए डेल्टा वाई माइनस डी, इसमें भी वाई इसलिए इसको अंदर रखा हमने। दूसरा मान क्या था, साइन एन डैश पाई अपोन में ए वाई, और किसके सापेक्ष कर रहे हो, वाई के सापेक्ष बराबर। दूसरी तरफ का मान क्या आएगा बेटा, टू नियत था बाहर, सी एन नियत था बाहर, एन पाई अपोन में ए भी नियत था बाहर, लिमिट आ गई जीरो से ए। ये क्या आएगा, साइन एन पाई अपोन में ए वाई डोट साइन एन डैश पाई अपोन में ए वाई और डी वाई। ठीक है बेटा, दोनों तरफ के हमने मान रख दिए बेटा। देखो जो तीसरे चैप्टर था अपने, तीसरी यूनिट थी, उसमें एक संबंध आया था अपने पास, और वो संबंध क्या होता है कि अगर जीरो से लेकर ए तक अपने पास कोई मान है, उस जीरो से लेकर ए तक के मान के लिए अपने पास क्या होगा, तो यहां से अपने पास अगर अपने पास है साइन एन पाई अपोन में ए वाई डोट साइन एन डैश पाई अपोन में ए वाई डी वाई, तो इसका उत्तर होता है ए बाई टू डेल एन एन डैश डेल्टा एन एन डैश, ये इसका उत्तर होता है बेटा। रखो क्या आएगा, क्यू अपोन में एप्सिलॉन जीरो, जीरो से ए डेल्टा वाई माइनस डी डोट साइन एन डैश पाई अपोन में ए वाई डी वाई। इस तरफ का मान क्या आएगा, टू सी एन एन पाई अपोन में ए इंटू ए बाई टू डेल्टा एन एन डैश, रख दिया हमने मान बेटा। इस समाकलन को जब सोल्व किया जाता है तो इस समाकलन का इस तरफ जो उत्तर आता है बेटा, वो देखो क्या आएगा, यहां पर हमने कंडीशन लगाई है वाई बराबर डी, एक कंडीशन होगी क्या आएगी, वाई का मान किसके बराबर आएगा, डी के बराबर आएगा, और उस कंडीशन से जब हमने इसको सोल्व किया तो अपने पास जो उत्तर आया था वो था क्यू अपोन में एप्सिलॉन जीरो साइन एन पाई अपोन में ए डी। ये पहले सोल्व कर रखा है बेटा हमने इसी में। दूसरी तरफ क्या है अपने पास है, टू सी एन एन पाई अपोन में ए डॉट ए बाई टू डेल्टा एन एन डैश, यदि एन बराबर एन डैश हो तो एन का मान किसके बराबर हो गया बेटा, एन डैश के बराबर हो गया। जब एन का मान एन डैश के बराबर आया तो ऐसी स्थिति में जो अपने पास मान आएगा वो क्या होगा, वो देखो यहां से q अपोन में एप्सिलॉन जीरो साइन एन पाई अपोन में ए बी हो गया। दूसरी तरफ का मान क्या है, टू सी एन एन पाई अपोन में ए इंटू ए बाई टू, और बेटा इसका मान क्या हो जाएगा, जब दोनों बराबर होंगे तो एक हो जाएगा, हमने क्रेनों के डेल्टा में पढ़ा है, टू से बेटा टू कैंसिल हो गया, क्या बचा q अपोन में एप्सिलॉन जीरो साइन एन पाई अपोन में ए डी बराबर सी एन एन पाई अपोन में ए इंटू में ए। ऐसे ए भी क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए से ए को भी कैंसिल कर दो। यहां से अगर मैं सी एन का मान निकालूं तो सी एन का मान यहां से क्या आएगा, ये आया क्यू अपोन में एन पाई एप्सिलॉन जीरो और आगे साइन एन पाई अपोन में ए डी, ये आ गया सी एन का मान। और बेटा सी एन का मान किसके बराबर होता है, डी एन के, तो ये जो दोनों मान है अपने पास इनको सी एन और डी एन की जगह पर रख दो, मतलब कौन से समीकरण में रख दो, समीकरण नंबर 9 और 10 में रख दो। समीकरण 9 व 10 में मान
रखने रखोगे बेटा, नौ में मान रखोगे तो क्या आएगा, फाइव वन एक्स कोमा वाई बराबर। अपने पास क्या आएगा, जो मान आएगा ये आएगा समीशन एन बराबर एक से एन। क्या था, सी एन था, सी एन का मान कितना है, क्यू अपॉन में पाई एन पाई एप्सिलॉन जीरो साइन एन पाई अपॉन में ए डी। डॉट क्या था, आगे का मान ई की पावर एन पाई अपॉन में ए एक्स डॉट साइन एन पाई अपॉन में ए वाई। ये आ गया अपना किसका मान, फाइव वन का मान। ऐसे ही किसका निकालोगे, फाइव टू एक्स वाई बराबर क्या होगा, सिग्मा एन बराबर एक सी एन। सी एन की जगह इस बार क्या आएगा, डी एन, और डी एन का मान भी बेटा यही है, तो क्यू अपॉन में एन पाई एप्सिलॉन जीरो साइन एन पाई अपॉन में ए टी डॉट ए की पावर माइनस एन पाई अपॉन में ए एक्स, और ये था साइन एन पाई अपॉन में ए वाई। ये आ गया किसका मान, फाइव टू का मान आ गया बेटा। ये अपना जो समान चालक प्लेट के लिए फॉर्मूला था, चालक प्लेट भूसंपर्कित चालक प्लेट के लिए विभव का मान निकालना, ये कंप्लीट हो गया बेटा। अगला जो अपना टॉपिक है वो विसरण समीकरण द्वारा पतली आयताकार प्लेट में ऊष्मा का चालन पड़े, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा वृत्ताकार झिल्ली में कंपन, और उस वृत्ताकार झिल्ली में कंपन के बाद जो अपना अगला टॉपिक आएगा वो आएगा गोलीय निर्देशांकों का तरंग समीकरण का हल। ये तीन टॉपिक अपने इस चैप्टर में बचे हुए हैं, इन तीन टॉपिक के बाद बेटा ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।